नमस्कार दोस्तों। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में किन देशों से क्या लिया गया है, तो हम अक्सर इन्हें याद कर लेते हैं लेकिन कुछ ही समय में भूल भी जाते हैं। तो आज हम इसे समझने के लिए एक आसान सी ट्रिक देखेंगे। एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, तो भारत की तरफ से संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुपचाप सुन रहे थे। तो बातें कुछ इस प्रकार हो रही थी। तो ब्रिटेन का बंदा बोला, पूरे देश में मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो संसदीय प्रणाली विधि निर्माण एकल नागरिकता, ठीक। अमेरिका वाला बोला, नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। जर्मनी, जर्मनी से, तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। तो आपातकाल का सिद्धांत। फ्रांस, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूं, ये तो तुम सब जानते ही हो, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा, तुम लोग को जो करना हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूं, मैं तो शक्ति क्या बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा, राज्यों में शक्ति क्या विभाजन। आयरलैंड, अरे यार, तुम लोग की नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूं, तो संवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीका, पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया, शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की जरूरत हो। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य। तो सभी देशों का सुनने के बाद अम्बेडकर जी ने बड़े ही आराम से कहा, इंडियन, कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखती है, ये लो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का। तो देखा ना, हो गया ना आसानी से याद। उम्मीद है कि आप सब कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन बात ये याद रखें, नोट, तथ्यों को याद करने के लिए काल्पनिक घटना का सहारा लिया गया है, इस घटना का वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ट्रिक याद करने के लिए बहुत ही अच्छी ये कहानी बनाया है। तो दोस्तों, अगर यह पोस्ट आपको अच्छी लगी तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि ये पोस्ट आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का भी स्वागत रहेगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज के अपडेट मिलते रहे। और लाइक जरूर करिएगा पसंद आए तो, और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये ट्रिक याद हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों।